हमारा पूरा जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। हम बार बार बोलते हैं मंच पे, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब क्या है? जो गांव में रहता है, जो किसान है, जो गरीब है, उससे क्या मतलब है इस लोकतंत्र? ये समझाना ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र ने अधिकार दिया है आपको, वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा औजार है जिससे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं या फिर आप अपने भविष्य को अंधकार में भी ढकेल सकते हैं। ये समझाना ज़रूरी है, ये समझाना ज़रूरी है कि अगर संविधान बदलेगा इसका मतलब क्या है? क्या आपका वोट कल को आपको नहीं मिलेगा? क्या आरक्षण कम हो जाएंगे? क्या जो आपके अधिकार हैं, जैसे कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया, जनता को शिक्षा का अधिकार दिया, इनका क्या होगा अगर संविधान बदलेगा? ये सब बातें समझानी बहुत ज़रूरी है। बाकी शायद 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक, 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। और अगर अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है तो ये सेना। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, ये राहुल भैया का चुनाव है हम सबके लिए। हम सबके लिए निजी बात है, हमारे सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश है। ये वो किला है, ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहाँ से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं दिया, मैंने बात की इसके बारे में इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहाँ से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए अपने लिए नहीं है, आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े निधि। आज परिस्थितियाँ ये हैं कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला, आज जनता की मांग है महंगाई कम करो, रोजगार दिलवाओ, हमारा भविष्य मजबूत करो, और सरकार की बातें हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लोगों को ये कहने की कोशिश करेंगे कि कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएंगे, भय फैलाने वाली बात जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने क्षेत्र में ये देखा है कि किस तरह से गांव-गांव में जाके झूठ फैलाए जाते हैं, भय फैलाया जाता है, और ये कोशिश होती है कि जज्बातों के आधार पर, भय के आधार पर जनता वोट दे, और यही जो सिलसिला है इसने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया। आज अगर ये लोग चुनाव के मंच पर आकर पाकिस्तान की बात या धर्मों को लड़ाने की बात कर सकते हैं, या आपको ये महसूस करा सकते हैं कि कहीं से आपके धर्म पर आँच आने वाली है,
या आपको घबराने की ज़रूरत है, तो आप समझते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपके जज्बात उभरेंगे और इनको वोट मिलेंगे। और एक बार इनको वोट मिल जाता है, इनको सत्ता मिल जाती है, तो आपने खुद अनुभव किया है कि 10 सालों में आपके लिए क्या नहीं किया है, क्या किया है इन्होंने। जो जो प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं अपने इश्तिहारों में, ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के ज़माने में पास हुए, तब शुरू हुए, अब जाके बन रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, जितने भी लोग ये कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद, अब इनकी पार्टी में देखिए, तमाम बेटे बेटियां चाची चाचियां सब इनकी पार्टी में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर परिवारवाद की बात कहाँ गई, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो स्कीम इन्होंने निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का स्कीम, इन्होंने तो इसको एक स्कीम बना दी कि जो भी चंदा देगा भाजपा को उसका नाम गुप्त रहेगा, जब नाम बाहर आए तो इनकी बदौलत बाहर नहीं आए, बाहर आए इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने बोला कि बाहर निकालो लिस्ट, अब सूची देखिए। और ये सब बातें आपको समझानी चाहिए लोगों, किस किस से चंदा लिया है, जिसने गुजरात में वो पुल बनाया, जो पुल गिर गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी गई, उस पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया, जिसको धमकाया था, जिसपे छापे लगाए थे उनसे चंदा लिया, छापे बंद, जिसपे केस लगाए थे चंदा लिया, केस बंद या ठंडे बस्ते में। और इसका नतीजा क्या हुआ कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। वो आपकी भावनाएं कैसे समझ पाएंगे, आपने हमेशा जो काम किया है एक भी पैसा लेने के बिना किया है, आपको वेतन नहीं मिलता, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप जन सेवा करते हो, सेवा की भावना से करते हो। उन्होंने दुनिया भर का चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस के खाते बंद कर देते हैं चुनाव के समय, दो दो सीएम को जेल में डाल देते हैं चुनाव के समय। ये सब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। इनकी बड़े बड़े खरबपतियों के साथ सांठगांठ है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ किए हैं, जो हमारा किसान 10,000 रुपए के लिए 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, अपनी बेटी की शादी करा नहीं पा रहा है, उसके लिए एक पैसा माफ नहीं। आज ये है परिस्थिति और सच्चाई इस सरकार की। आप टीवी चलाएंगे तो आपको ये सच्चाई नहीं दिखेगी, आप टीवी चलाएंगे तो आपको सब सुनहरा दिखेगा, आपको दिखेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, G20 हो रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको बताया जाता है कि मोदी जी इतने बड़े नेता बन गए हैं कि वो चुटकी भर में युद्ध रोक सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत बढ़िया, रोकिए फिर युद्ध रोकिए, लेकिन उसके साथ साथ एक आध रोजगार भी तो दिलवा दीजिए। देश में इतनी सत्ता है, इतने बड़े नेता हो, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, जो किया है उसके बारे में तो बताइए जनता को। लेकिन जनता का इस कदर निरादर हो रहा है आज हमारे देश में कि नेता समझ गए हैं कि उनको जनता को कोई के प्रति कोई जवाब देनी नहीं है, उनकी जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात मेरे मन में बैठ गई जब मैं यहाँ 22 में चुनाव के लिए काम कर रही थी, बघेल जी आए थे और मैंने कहा था उनके लिए, हमने आयोजित किया था एक प्रोग्राम जिसमें वो बिजनेस के लोगों से वो उनकी बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद जब बघेल जी आए और मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा प्रोग्राम, तो बताने लगे कि दीदी यहाँ बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने कहा क्या, सवाल नहीं पूछते ज़्यादा, बड़े डरे हुए हैं लोग। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है क्यों, कहते दबाव रहता होगा, सरकार का दबाव रहता होगा।
बात कही, कहा कि दीदी हमारे छत्तीसगढ़ में तो एकदम अलग है। मैंने कहा क्यों? अरे देखिए, हमारा जब ध्यान काम पे रहता है तो जनता हमको कुछ भी पूछ सकती है। हमें मालूम है कि हमें काम के आधार पर वोट लेना है, तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति रहती है। यहाँ पे क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की बात करने की, कि वोट लेने के समय नेता जानता है कि धर्म की बात करेगा उसको वोट मिल जाएगा, तो एक तरह से उसने अपनी जवाबदेही खत्म कर दी, क्योंकि अब वो जान गया है कि चुनाव के समय मैं जज्बातों की बात कर दूंगा, मैं धर्म की बात उठा दूंगा, वोट तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, तो फिर मैं काम क्यों करूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।